खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक आदित्य चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ता जसपुर कलियावाला मोड़ पर भारतीय स्टेट बैंक के सामने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जसपुर विधायक आदित्य चौहान ने बताया कि आज केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अडानी समूह को लेकर SBI और LIC ऑफिस के सामने धरने का आह्वान किया गया था। विधायक ने कहा कि जो कंपनी 30वें स्थान पर थी, वो एकदम तीसरे स्थान पर कैसे आई, उसकी जांच होनी चाहिए। भारत के कई निवेशकों का पैसा डूब गया है। विधायक बोले, सरकार के संरक्षण में बैंकों ने और LIC ने इन्हें भारी मात्रा में लोन दिया, जो कि खतरे की घंटी बना हुआ है। LIC और स्टेट बैंकों में देश की गरीब जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग ना हो इसकी जांच होनी चाहिए। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा LIC और स्टेट बैंकों के सामने धरने का आह्वान किया गया पार्टी के द्वारा, और वो है अडानी समूह को लेकर। क्योंकि जो कंपनी 30वें स्थान पर थी, वो एकदम तीसरे नंबर पर कैसे आई, इसकी जांच हो। अडानी को जो लोन दिया गया, और जो आप बीते दिनों में देख रहे हैं कि अडानी को कई लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें SBI और LIC का भी पैसा था। कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, और प्रदर्शन के साथ साथ एक मांग भी कर रही है कि अडानी के घोटालों की जांच JPC के द्वारा कराई जाए।